अरे गीता, अहाँ हमर घर एलौं, ई तऽ बहुत नीक बात छै। वास्तवमे हमरा इंटरनेट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात के समझा में अहाँ के मदद की जरूरत अछि। हाँ चचा, हम तऽ एहिठमन अहीं के मदद करय लेल एलौं हँ। देखू गीता, जब हमरा ट्रेन से जाय होइए तहन हमरा बहुत मुश्किल समय के सामना करे पड़ैए। जेना हम फसल के मौजूदा कीमत पता करय के लेल अक्सर शहर जात रहै छी, एकरा लेल हमरा शहर जाय के लेल रेल से लंबा दूरी यात्रा करय पड़ै छी। ओय के बाद टिकट खरीदा के लेल लंबा कतार में ठार भाव के घंटा भर इंतजार करय पड़ै छी, आर ओय के बाद फिर फसल के कीमत पता करय के लेल हमरा सरकारी कार्यालय में घंटा भर लंबा उबाऊ इंतजार करय पड़ै छी। अरे चचा, अहाँ अहि समस्या लेल परेशान छी, ई कोनो जटिल समस्या नहीं छे। एकरा लेल अहाँ घर बैसल सब किछु कह सकै छी, खेती बाड़ी के बारे में जान सकै छी, ट्रेन के टिकट बुक करा सकै छी, इंटरनेट से सब काम कह सकै छी अहाँ। की ई संभव छै? कृपया हमरा देखाओ कि हम एना केना कह सकै छी। अच्छा ठीक छै, चलू हम अहाँ के देखबै छी जे घर में बैठल खेती बाड़ी के बारे में केना पता लगा सकै छी और ट्रेन के टिकट केना बुक करा सकै छी। गीता, ई तो बहुत नीक छै, हम घर पर रह के फसल के कीमत पता करे के लेल इंटरनेट के प्रयोग कह सकै छी। निश्चित रूप से चचा, एक जगह से अहाँ इंटरनेट के भारत के हर किसान के बहुत ज्यादा मदद करत। सही में हमरा समझाओ कि हम अपन लाभ के लेल इंटरनेट के प्रयोग केना कह सके छी। बेसक चचा, सबसे पहले हम अहाँ के बता दे छी कि भारत के कृषि मंत्रालय किसान तक पहुँचे के लेल इंटरनेट के उपयोग अई प्रकार से कह रहल छे। अहाँ देखैत हेबे जे भारत सरकार के 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा कृषि से जुड़ल रहत अछि आ कृषि से जुड़ल अन्य काम से निर्भर रहत अछि। कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण के कारण कृषि क्षेत्र और सहकारिता विभाग वा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय नियमित रूप से कृषि संख्या के इकट्ठा करैत अछि और ओहि पर राखय वाला रहैत अछि। और पोर्टल www.agmarknet.nic.in के माध्यम से हितधारक के लेल सुलभ भ जायत अछि। अइ प्रोटोकॉल के माध्यम से किसान के थोक उत्पादक के लेल राष्ट्रव्यापी बाजार के जानकारी प्राप्त कर सकै छी। एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन के मदद से अहाँ आसानी से विधि उत्पादन के बाजार के दैनिक के भाव के बारे में प्राप्त कर सकै छी और निश्चिंत भ कर खरीद व बिक्री के लेन देन कर सकै छी, निर्णय ल सकै छी। ई सूचना हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और अन्य भारतीय भाषा में प्राप्त भ जात। हमरा लेल ते ई नीक खबर अछि, कृपया हमरा कह के देखाओ कि हम ऐ साइट से राज्य के बाजार में चावल के थोक मूल्य केना पता कर सके छी। जरूर, ऐ सब चरण के पालन करू। पहले एजी मार्केट के वेब पेज पर क्लिक करू। यदि अहाँ उत्तर प्रदेश के चावल के बारे में जानना चाहै छी तो प्रदर्शित पेज पर मार्केट बुलेटिन खंड में निर्देशित वस्तु के तिथि बार मूल पर लिंक को क्लिक करू। जब अहाँ ऐ लिंक पर क्लिक करबे तो एक नया पेज खुलत। ऐ पेज में वर्ष और महीना के चुनू जै के लेल अहाँ फसल के कीमत करय चाहै छी। ओकर बाद अहाँ राज्य के नाम चयन करू और विकल्प चुनू। सूची में अहाँ ओहि राज्य के नाम चयन करू जेकरा अहाँ जानकारी प्राप्त करय चाहै छी। अतः हम उत्तर प्रदेश के चयन करी। राज्य के चयन करय पर एक और बक्स प्रकट भ जात जै में अहाँ कम्पोडिटी चयन करू। देखायल गेल सूची में अहाँ चावल पर क्लिक करू। एक बेर चावल पर क्लिक केला के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करू। आब अहाँ चुनल गेल
महीना में विभिन्न तारीख के उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि बाजार में चावल के कीमत के रिपोर्ट पर देखो कि हमहू ऐ साइट से बाजार के सब चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके छी। जरूर चचा, हम अहाँ के बतबे छी। यदि अहाँ बाजार के सब चीज की कीमत जानना चाहे छी तो अहाँ बुलेटिन खंड के मार्केट के जगह बाजार के तरह अहाँ के बहुत सारा एप्स देखायत, ओहि पर क्लिक करो। लिंक पर क्लिक करक पर अहाँ के एकटा पेज देखायत। कैलेंडर से तारीख चुनो, तारीख के चयन कर पर राज्य के सूची नीचा देखायत। सूची के राज्य के नाम में चयन करो, एठमन उत्तर प्रदेश चुनल गेल और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करो। स्क्रीन पर बाजार के सूची देखायत, जे बाजार की कीमत जानना चाहे छी ओहि बक्स के चेक करो, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करो। यदि अहाँ एक से अधिक राज्य के चयन करय चाहे छी तो सिटी आरएल बटन पर दबा कर रखने ही राज्य के नाम पर क्लिक करो, तब वेबसाइट अहाँ के द्वारा चयनित बाजार के एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदर्शित करत। आब अहाँ हमरा ऐ साइट के उपयोग क कर पंजाब राज्य में मकई फसल के बारे में भाव पता लगा कर दिखाओ। हाँ, हमरा प्रयास कर दियो। स्टेप वन, www.agmarket.nic.in खोलू। स्टेप टू, वेबसाइट में डेट वाइज प्राइसेस फॉर स्पेसिफाइड कमोडिटी पर क्लिक करू। स्टेप थ्री, ईयर मंथ और स्टेट सेलेक्ट करू। स्टेप फोर, कमोडिटी में मेज सेलेक्ट करू। स्टेप फाइव, सबमिट पर क्लिक करू और रिजल्ट दिखाई देत। बहुत नीक बात है, आप अपने सीख ले लो जे कृषि बाजार में औद्योगिक भाव केना पता कर सकेत अछि से, और वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य विकल्प सेहो तलाश सकै छी। आइ काल्हि कई वेबसाइट पर उपलब्ध अछि जै के जरिए अहाँ सब आइ के समय और आवा वाला समय के बारे में आराम से पता लगा सकै छी। ओहि में से कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट www.weatheronline.in, www.weatherforecastmap.com। भारत में भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आवा वाला मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी सब किछ के जानकारी भविष्यवाणी के जिम्मेदार है। संपूर्ण आंकड़ा ओय के वेबसाइट www.imd.gov.in पर सुलभ छी। हम ऐ साइट से जानकारी केना प्राप्त कर सके छी? आसानी से बस ऐ चरण के अनुसरण करू। पहले एड्रेस बार में वेबसाइट के नाम लिखो, तब स्क्रीन प्रकट भ जात। यदि अहाँ हिंदी भाषा में देख चाहे छी तो पेज के दायां ओर देख रहल हिंदी लिंक पर क्लिक करू। ऐठमन पेज के ऊपर तथा बाई और विभिन्न जानकारी देल होइत अछि जेकरा अहाँ प्राप्त कर सकै छी। मौसम के बारे में जानय के लेल इंडिया वेथर लिंक पर क्लिक करू और वेबसाइट के www.indiaweather.gov.in पर पुनर्निर्देशित कर दियो। अब डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर जाय के लेल ऐ बटन पर टिप दियो, फिर अहाँ जै शहर के देखा चाहे छी वही लिंक पर क्लिक करू। अब संबंधित वेबसाइट पर पुनः निर्देशित भ जात। उदाहरण के लेल हम अहमदाबाद राज्य के चयन करू। वेबसाइट पेज पर बाई और विभिन्न सेवा अहाँ के भेटा लागत, मानसून, स्थानीय मौसम के बारे में और एहन बहुत सारा जे छै तेकर चेतावनी अहाँ के साप्ताहिक मौसम के रिपोर्ट प्रदर्शित होबय लागत। और बेसी जानकारी के लेल संबंधित लिंक पर क्लिक करू। राज्यव्यापी मौसम के जानकारी के लेल लिंक पर क्लिक करू और साप्ताहिक मौसम के रिपोर्ट डाउनलोड कर
वीकली वेथर रिपोर्ट पर क्लिक करू। अब अहाँ हमरा वेबसाइट से चेन्नई के अलग मास के मौसम के पूर्ण मान के जानकारी प्राप्त कर के प्रयास कर के दिखाओ। हाँ, हमरा प्रयास करे दियो। स्टेप वन, www.imd.gov.in खोलू। स्टेप टू, इंडिया वेदर पर क्लिक करू। स्टेप थ्री, डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर क्लिक करू और चेन्नई सेलेक्ट करू। स्टेप फोर, फोरकास्ट पर क्लिक करू और रिक्वायर्ड ऑप्शन पर क्लिक करू। इना हिते होम पेज पर दर्शायल लिंक पर क्लिक करके अहां और जानकारी खोज सके छी। की अहां के पता है जे इंटरनेट के जरिए महासागर और मछली पकड़ के संभावित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके छी? ठीक है, केना? भू विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक श्वेत संस्था भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वेबसाइट www.incois.gov.in देखी जानकारी प्राप्त करे के पद ईएच पहले एड्रेस में www.incois.gov.in टाइप करू। ई स्क्रीन प्रकट कर देत। मछली पकड़ा के संभावित क्षेत्र के जानकारी प्राप्त करा के लेल एडवाइजरी सर्विसेज खंड के अंतर्गत पोटेंशियल फिशिंग जोन पर जाओ। तटीय क्षेत्र के पूर्वानुमान के खोजा के लेल एडवाइजरी सर्विसेज खंड के अंतर्गत ओशियन स्टेट फोरकास्ट पर जाओ। ओ केहा छी रोहन, अहा के एता की लाउआइल? ओहो दीदी, हम अहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी छी। हमरा अहाँ से किछ सहायता चाही। दीदी की हम इंटरनेट के शिक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सके छी? बिल्कुल रोहन, आई साइट पर जाऊ और आई पद के अनुसरण करू। सबसे पहले वेबसाइट www.शिक्षा.com देखो। पेज में सबसे ऊपर बहुत टैब देल गेल रहत। संगत जानकारी प्राप्त करे के लेल ओय के मध्य से जोड़ू। होम टैब में सर्च बार देल रहत स्थान के नाम या कोर्स के नाम, जे कोर्स के बारे में यहाँ जानकारी करे चाहे छी इंटर करू। साथ ही देश अथवा विदेश के जानकारी खोजे के लेल स्टडी इंडिया देल गेल रहत। MBA टैब में विभिन्न MBA कोर्स व स्थान के बारे में जानकारी देल गेल रहत। अहाँ विशिष्ट कोर्स प्रस्तावित करे के लेल विशिष्ट परीक्षा के स्वीकारे वाला स्थान के सूची देखू। अहाँ 12वीं कक्षा पास करे के बाद और बहुत सारा कोर्स के बारे में जानकारी लो सके छी। अधिक जानकारी के लेल संबंधित लिंक पर क्लिक करू। कैरी सेंट्रल टैब ऑफ द्वारा चुना जाए वाला विभिन्न क्षेत्र व कोर्स के जानकारी उपलब्ध करात। टॉब इंस्टीट्यूट के प्रयोग क के अहाँ विभिन्न क्षेत्र में सबके सर्वश्रेष्ठ स्थान के खोज सके छी। होम पेज में तल पर खंड। आब अहाँ हमरा शिक्षा वेबसाइट के प्रयोग क के बेंगलोर में पढ़ाई के कोनो कोर्स खोज कर दिखाओ। ठीक छे, हम कोशिश करे छी। स्टेप वन, http://www.shiksha.com/ के खोलू। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करू। ड्रॉप डाउन मेन्यू तो तहां साइंस एंड इंजीनियरिंग और तहां आर्किटेक्चर पर क्लिक करूं। सिटीज के लिस्ट सा बैंगलोर सिटी सेलेक्ट करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दियो। अहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आजकल बहुत रस एहन वेबसाइट उपलब्ध छे के नौकरी व करियर संबंधी अन्य सूचना उपलब्ध करवे छी। उदाहरण ई वेबसाइट छे www.employmentnews.com, www.employmentnews.com,
ruralnaukri.com, www.timesjob.com वेबसाइट उपलब्ध छे जे खाली ग्रामीण बाजार के सूचना उपलब्ध करबाय छे जेना कि www.ruralnaukri.com अपन वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में www.employmentnews.com टाइप करू। होम पेज पर महत्वपूर्ण सूचना व लिंक से युक्त बहुत रस खंड प्रदर्शित होत। अपना से संबंधित कोनो लिंक के बारे में और अधिक पढ़ के लेल ओय पर क्लिक करू। विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा लेल गेल परीक्षा के परिणाम और प्रवेश के सारणी देखा के लेल एडमिशन एंड रिजल्ट के जाओ। कैरियर संबंधी विभिन्न सूचना प्राप्त करा के लेल कैरियर लिंक्स पर जाओ जेता शैक्षिक विमानन बैंकिंग सिविल सेवा रक्षा इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक दल छे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार के ग्राहक बना के लेल होम पेज के ऊपर दाहिना कोना पर देल गेल लिंक पर जाओ और लिस्ट में देल गेल आवश्यक पद के पालन करू। अहां ई वर्जन टैब पर जाकर यूजर्स नेम व पासवर्ड के प्रयोग करके एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार के ई संस्करण प्राप्त कर सके छी। अब हमरा न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट के प्रयोग कर अहां नवीनतम नौकरी खोज कर दिखाओ। हाँ, हमरा पूरा विश्वास है जे हम को लेबे। अहां ई वर्जन टैब पर जाकर यूजर्स नेम व पासवर्ड के प्रयोग करके एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार के ई संस्करण प्राप्त कर सके छी। स्टेप 2 होम पेज के स्क्रॉल डाउन करू लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढा के लेल। अई तरह से अहां वेबसाइट में उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण विशेषता के प्रयोग कर सके छी और सब के जानकारी प्राप्त कर सके छी। हम अहां के दिखावे छी जे हां naukri.com साइट के प्रयोग केना कर सके छी। पहले एड्रेस बार में www.naukri.com टाइप करू। अब अहां के पूरा जानकारी मिल जायत। नौकरी के बारे में है अहां के सारा चीज पता चल जायत। स्थान नौकरी के श्रेणी की पद रहत और हर चीज अहां में आराम से खोज लेबे। अहां नौकरी खोजे के लेल होम पेज में नीचा देल गेल विभिन्न पत्ती के प्रयोग कर सके छी जे नीचा देल गेल अछि। यदि अहां नियोक्ता के खोजे चाहे छी तब बटन पर क्लिक करू। अधिक परिष्कृत खोज के लेल फिल्टर के प्रयोग करू। यदि अहां अपन बायोडाटा पोस्ट करे चाहे छी तो होम पेज में पोस्ट रिज्यूम टैब पर जाओ और अपना बारे में कुछ लिखा चाहे तो लिखू और सूचना भर कर ओकरा रिज्यूम फोल्डर के अपलोड कर सेंड कर दियो। यदि अहां लॉगिन अथवा पंजीकरण करे चाहे छी तो टैब पर जाओ और लॉगिन कर दियो। वेबसाइट के और अन्य विशेषता जेना बायोडाटा लिखना प्रोफाइल वृद्धि पर फास्ट फोल्डर पर टैप करू। शिक्षा संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त करे के लेल टैप पर क्लिक करू। ई भाग भारत के साथ साथ विदेश के विभिन्न कोर्स के कॉलेज के जानकारी रखैत अछि। वेबसाइट के द्वारा नौकरी खोजे के लेल www.naukri.com ढूंढू। स्टेप 1 वेबसाइट पर जाओ। नौकरी पाबा के सूचना ईमेल में से प्राप्त करे के लेल टैब बटन के प्रयोग करैत हुए स्वयं पंजीकरण करू। यदि अहां स्वयं के पंजीकरण करा चुकल छी त अहां अपन यूजर नाम और पासवर्ड के प्रयोग कर वेबसाइट में बाई और देल गेल मेनू बार में लॉग इन सेशन में लॉग इन करू। जारी होवे वाला नवीनतम नौकरी के विवरण जाने के लेल वैकेंसी टैब पर जाओ जतन नौकरी के पद व स्थान अंकित होत अछि। करियर अथवा कृत्रिम साक्षात्कार परामर्श और रेज्यूमे के विज्ञापन संबंधी विभिन्न सेवा तक पहुंचा के लेल वेबसाइट के दायां तरफ एम्प्लॉइज सर्विसेज सेक्शन पर जाओ। अब वेबसाइट
www.nokri.com के प्रयोग करैत हुए अहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के नौकरी खोजू। स्टेप वन www.nokri.com खोलू। स्टेप टू कीवर्ड फील्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर एंटर करू और लोकेशन फील्ड में मुंबई एंटर करू। स्टेप थ्री सर्च बटन पर क्लिक करू अहाँ डिजायर्ड रिजल्ट पाएब। अब हमारा पूरा विश्वास है जहाँ इंटरनेट के द्वारा कृषि अथवा सेवा जन योजना संबंधी जानकारी आराम से खोज सके छी। आई गतिविधि के द्वारा हम अपना आप की रिफ्रेश कर ले छी। गीता की हम इंटरनेट से अपन बिजली और टेलीफोन के बिल जमा कर सके छी? बिल्कुल, एहि तरह से अहाँ बिल इंटरनेट के माध्यम से भर सके छी। देखे छी जे अहाँ केना भरे छी। उपयोगी सेवा जेना बिजली, पानी, गैस और फोन सेवा, अइ सब के उत्पादन के विवरण स्थापन करय में बहुत ही खर्चीला होइत अछि। आइ काल्हि दुनिया भर में बहुत सारा एजेंसी पेपर रहित बिलिंग वा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के सुविधा उपलब्ध करबैत अछि। अइ सब जीवन में बहुत ही आसान होइत अछि, कैला कि आइ काल्हि आदमी ऑफिस में बैठल बैठल घर के बिजली बिल भुगतान ऑनलाइन कर सकैत अछि। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करय के कुछ फायदे निम्न अछि। यात्रा वा लंबा लाइन में लागत के जे रहय तै समय के बचत हैत। बिल हेरा जात या फिर फट जात तेकर टेंशन नहीं रहत। सही नियत तिथि तक भुगतान कैल जा सकत। पूरे 24 घंटा भुगतान कैल जा सकत। भुगतान करय से पहले बिल राशि अवश्य जांचू। ज्यादातर बिजली विवरण कंपनी के पास वाला के भुगतान ऑनलाइन प्राप्त के सुविधा होइत अछि। उदाहरण के लेल अहाँ कतो दूर काम कर रहल छी लेकिन अहाँ के अपन घर के बिजली बिल ते रखे तो ओकरा अहाँ आराम से अपन घर बैस के चाहे अपन ऑफिस में छी तो ऑफिस से अहाँ आराम से ऑनलाइन से ओकरा भर के भुगतान कर सकै छी। अइ प्रकार से संबंधित बिजली विवरण कंपनी के वेबसाइट पर जाकर अहाँ अपन बिजली बिल के भुगतान कर सके छी। भारत के चलू अब हम अहाँ के देखबे छी जे अहाँ BSES दिल्ली में ऑनलाइन बिजली बिल कोना भुगतान कर सके छी। पहले BSES दिल्ली के वेबसाइट पर जाओ। अब पेमेंट ऑप्शन पर जाकर और ऑनलाइन भुगतान करय के लेल अहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जे भी कार्ड होय या फिर जे सुविधा होय बैंकिंग ओकरा अहाँ चयन करू। निर्देशों के ध्यान पूर्वक पढ़ू और विकल्प पर पे नाउ पर क्लिक करू। अब देल गेल स्थान पर अपन CA नंबर दियो। अब अहाँ अपन CA नंबर अपन बिजली बिल के कागज के प्रति में दहिना हाथ के ऊपर किनारा पर देख सके छी। फिर गो बटन पर क्लिक करू। अब भुगतान पृष्ठ देखा लागत। भुगतान के ढंग जेना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के चयन करू। जब अहाँ चयन कऽ लेलो तो भुगतान प्रक्रिया अनुसरण करू। नोट, यदि अहाँ क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन चूज कराए छी तहा अहाँ के अपन क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भरा के हेत और आई प्रक्रिया के बाकी प्रोसेस कंप्लीट करू। यदि अहाँ नेट बैंकिंग सेलेक्ट कराए छी तहा अहाँ जाए बैंक से अपन बिल पे करा चाह छी ओय बैंक के चूज करू। अहाँ अपन नेट बैंकिंग साइट जेता अहाँ के पेमेंट भुगतान कोरा के लेल यूजर नेम और पासवर्ड डालल पड़ते। जहां सक्सेसफुल पेमेंट भाव जाए तहां अहां एगो ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर भेटता है। दीदी की हम सब मोबाइल फोन के भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सके छी? हाँ जरूर एना कर सके छी, मुदा अहां के प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज करे के लेल सबसे पहले निम्न पद के अनुसरण करे पड़त। सबसे पहले रिचार्ज इट नाउ वेब पर क्लिक करो। अब मोबाइल विकल्प पर क्लिक करो
और उपलब्ध विकल्प में से जे सेवा प्रदान करते ओकरा चयन करू। ओकर बाद अहां अपन मोबाइल नंबर लिख कंटिन्यू बटन पर क्लिक करू। आब दू विकल्प में से अहां प्लान के प्रक्रिया के चयन करू और रिचार्ज राशि के भर कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करू। आब अहां के मोबाइल नंबर से संबंधित जानकारी दिखायत। एकरा पुष्टि कर के तीन और विकल्प में से एक विकल्प के चयन करू। यदि अहां पंजीकरण उपभोक्ता छी और पंजीकरण नहीं करे चाहे छी त कंटिन्यू एज गेस्ट बटन के दबाओ। यदि अहां पंजीकरण उपभोक्ता छी साइन इन बटन के दबाओ। यदि अहां पंजीकरण उपभोक्ता नहीं छी लेकिन अपन पंजीकरण कराबे चाहे छी त रजिस्टर बटन के दबाओ। यदि अहां बटन के दबेने रहे छी त स्क्रीन पर कट भ जात। तब अहां अपन जानकारी के दर्ज क दियो और सबमिट बटन के दबा दियो। आब भुगतान विकल्प में से कोनो एक के चुनो। कोनो एक विकल्प पर चयन केला के बाद बैंको के सूची वाला एक ड्रॉप डाउनलोड बॉक्स पर कट भ जात। उपयुक्त बैंक के चयन क कंटिन्यू बटन पर क्लिक क दियो। आब भुगतान के सारांश पर कट भ जात। पुष्टि करे के लेल प्रोसीड्स बटन दबाओ। आब अहां अपन द्वारा चुनल गेल बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित क देबे। अपन यूजर नाम व पासवर्ड के प्रयोग क के आवश्यक राशि के भुगतान करू। रोहन, आब अहां recharge.com पर जाके अपन मोबाइल में स्वयं कोना रिचार्ज करब से दिखाओ। बिल्कुल दीदी। स्टेप 1, रिचार्ज इट नाउ वेबसाइट में लॉगिन करू। स्टेप 2, सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करू और डिटेल्स एंटर करू। स्टेप 3, प्लान के सेलेक्ट करू, रिचार्ज अमाउंट एंटर करू और कंटिन्यू पर क्लिक कर देऊ। स्टेप 4, कंटिन्यू एज गेस्ट सेलेक्ट करू। स्टेप 5, अपन मोबाइल डिटेल्स एंटर करू और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करू। स्टेप 6, उपयुक्त बैंक सेलेक्ट करू और अमाउंट पे कर दियो। दीदी, हम पोस्टपेड मोबाइल के बिल कोना भर सके छी? हम पेटीएम वेबसाइट के प्रयोग क के पोस्टपेड मोबाइल के बिल भर सके छी और एकरा लेल अई सब के अनुसरण करियो। पहले पेटीएम वेबसाइट पर जाओ। आब बिल पेमेंट टैब पर जाओ और अपन पोस्टपेड मोबाइल के बिल भर के लेल मोबाइल के बटन पर क्लिक करू। एहिठाम अहां अपन मोबाइल नंबर भरू आ अपन ऑपरेटर चुनू और बिल के राशि दर्ज करू। ओकर बाद प्रोसीड पर क्लिक करू। आब अहां के भुगतान के संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित भ जात। प्रोसेसेस टू पे बटन पर क्लिक करू। आब पेटीएम के साइन इन करू। यदि अहां नया उपयोगकर्ता छी त अपन अकाउंट बनाओ और फिर अपन ईमेल आईडी अथवा मोबाइल नंबर पेटीएम पासवर्ड के प्रयोग क साइन इन क दियो। आब स्क्रीन पर बाई और देल गेल विकल्प में से एक के प्रयोग करैत हुए भुगतान करू। जब अहां गीता, की केवल टीवी के बिल भुगतान भ सके छे? हां चचा, अहां क सके छी। हम अहां के देखावे छी जे अहां रिचार्ज इट नाउ वेब साइट के प्रयोग क डीटीएच के रिचार्ज कोना क सके छी। सबसे पहले www.recharge.com वेबसाइट पर जाओ। अतः ऑनलाइन रिचार्ज सेशन के तीन विकल्प देखात। अपन डीटीएच रिचार्ज करे के लेल डीटीएच बटन पर क्लिक करू, फिर अपन सर्विस प्रदाता के नाम अंकित करू। जेना अपना सबके सर्विस प्रदाता के रूप में टाटा स्काई के चयन करे के अछि। आब अपन उपभोक्ता आईडी नंबर पर दर्ज क कंटिन्यू बटन पर क्लिक क दियो। तब टाटा स्काई के प्लान के समरणीय देखा देत।
विशिष्ट पैक के सक्रिय करे के लेल रिचार्ज राशि पर दर्ज कर दियो और फिर कंटिन्यू बटन के दबा दियो। अब डीटीएच से संबंधित जानकारी प्रदर्शित भ जात। एकर पुष्टि करू और उपलब्ध तीन विकल्प में से कोनो एक विकल्प के चयन करू। यदि अहां पंजीकृत उपभोक्ता छी और पंजीकरण नहीं चाहे छी त कंटिन्यू एज गेस्ट पर क्लिक करू। यदि अहां पंजीकृत उपभोक्ता छी त साइन इन बटन पर दबाओ। यदि अहां पंजीकृत उपभोक्ता नहीं छी लेकिन अहां करय चाहे छी त रजिस्टर बटन दबाओ। यदि अहां कंटिन्यू एज गेस्ट बटन के दबबै छी त समर्पित स्क्रीन प्रकट भ जात। आब अपन जानकारी दर्ज क के सबमिट बटन के दबाओ। आब भुगतान के विकल्प में से एक के चयन करो। कोनो एक विकल्प के चयन केला के बाद बैंक के सूची वाला एक ड्राफ्ट डाउनलोड बॉक्स प्रकट भ जात। उपयुक्त बैंक के चयन करू और कंटिन्यू बटन के दबाओ। अब भुगतान के सारांश प्रकट भ जात। पुष्टि करे के पश्चात प्रोसेस बटन के दबाओ। अब अहां अपन द्वारा चुनल गेल बैंक के पेमेंट गेटवे पर पुनर्निर्देशित कह देल जाय। अपना यूजर नाम व पासवर्ड के प्रयोग क के आवश्यक राशि के भुगतान करो। अब हमरा विश्वास है जे अहां सब अपन बिजली बिल और टीवी में रिचार्ज करे के लेल कोनो भी काज करे के लेल अहां आसानी से कह सके छी। हां दीदी, बहुत उपयोगी है। हां गीता, ई जानकारी निश्चित रूप से हमर काफी समय बचत है। ई बहुत अच्छा प्रयास है। चलो एकरा दोहराबे के लेल एक गतिविधि में भाग ले छी। गीता, कि अहां हमरा दिखा सके छी कि ऑनलाइन ट्रेन व बस के टिकट आरक्षण केना कराल जा सके छे? बिल्कुल चचा, अब अहां के ट्रेन के टिकट कटाबे के लेल लाइन में घंटों इंतजार करे के आवश्यकता नहीं पड़त। देखियो, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन के टिकट आरक्षण क सके छी। सबसे पहले आई ब्राउजर के खोलो और आई में अपन एड्रेस टाइप करो। www.irctc.co.in देल स्थान पर अपन पूरा यूजर नाम व पासवर्ड लिखू और लॉग इन करो। नोट, यदि अहां वर्तमान उपयोगकर्ता नहीं छी त अहां ऐप में जाओ और अपन यूजर नाम व पासवर्ड बनाओ। एक बेर जो अहां लॉग इन कर लेब त अहां के एकटा स्क्रीन देखत। अपन टिकट बुक करे के लेल देल गेल सेशन में ड्राफ्ट पर विकल्प पर क्लिक करो और देल गेल फॉर्म में अहां कतय से कतय तक यात्रा करे चाहे छी सारा डिटेल्स ओय में लिख दियो। उदाहरण के लेल यदि अहां बेंगलोर से चेन्नई के यात्रा करे चाहे छी त फॉर्म लिस्ट में बेंगलोर टू चेन्नई टाइप करो। ओय वर्ग में अहां अपन स्टेशन के कोड भी टाइप कर सके छी। अब डेट वर्ग से कैलेंडर से यात्रा की तिथि चयन करो। अब टिकट टाइप पर जाओ और दोनों में से एक विकल्प के चुनो। पहल विकल्प आई टिकट और दूसर विकल्प ई टिकट है। ई टिकट के ही अहां इलेक्ट्रॉनिक टिकट के जगह प्रिंट क के अहां यात्रा प्राप्त कर सके छी। आई टिकट भौतिक टिकट जे अहां ऑनलाइन बुकिंग के कुछ दिन बाद प्राप्त कर सके छी। आब क्षेत्र के विषय में कोनो एक विकल्प के चुनो। एठमन तीन विकल्प अछि, सामान्य, तत्काल व महिला। सामान्य में कोई भी यात्रा कर सकैत अछि। तत्काल टिकट ट्रेन के प्रस्थान के एक दिन पूर्व बुकिंग कयल जा सकैत अछि। लेडीज डब्बा महिला के लेल आरक्षित होइत अछि। अब फाइंड ट्रेन्स बटन पर क्लिक करो। अहां ट्रेन के जे श्रेणी में यात्रा करय चाहे छी ओय पर क्लिक करू। ए अहां के ट्रेन के विवरण और आगामी 6 दिन तक उपलब्ध दिखाएत। बुक विकल्प पर क्लिक करय पर ई पुनः अहां के
ओहि पेज पर निर्देशित कऽ देत जतऽ अहाँ यात्रा करय के लेल यात्रियों के विवरण भरय चाहै छी। एक ई टिकट पर आधारित 6 यात्री यात्रा कऽ सकै छी। बक्स मे विवरण बटन भरू और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करू। आब अहाँ आरक्षण के विवरण देख सकै छी। प्रदर्शित विवरण के जांचू कि ओ अहाँ के जरूरत के अनुसार अछि कि नहि, और अहाँ के इहो देखा देत जे अहाँ के सीट मिलत कि नहि, और ई भी देखा देत जे की शुल्क छै। आब भुगतान करय के लेल विकल्प पर क्लिक करू। आब वेबसाइट में देल गेल विकल्प में से कोनो एक विकल्प के भुगतान करू। भुगतान के विशिष्ट ढंग वा बैंक के चयन कॉल ले पर स्वचालित रूप से ओहि बैंक के भुगतान पृष्ठ पर चल जायत। अब भुगतान रूप सफल भव जाय पर ई स्वचालित रूप से IRCTC के वेबसाइट पर फेर निर्देशित भव जायत और अहां के टिकट बुक भव जायत। टिकट के या त हिंदी चचा, अब अहां IRCTC वेबसाइट से प्रयोग करके दिल्ली से पटना के टिकट आरक्षित करा सके छी। हाँ, हमरा पूरा विश्वास है कि हम कह सके छी। स्टेप 1, IRCTC वेबसाइट पर जाओ और अपन अकाउंट में लॉग इन करू। स्टेप 2, अपन जर्नी डिटेल भरा के लेल फ्रॉम फील्ड में न्यू दिल्ली एंटर करू और टू फील्ड में पटना एंटर करू और जर्नी के डेट सेलेक्ट करू। स्टेप 3, सेलेक्ट बटन पर क्लिक करू डिजायर ट्रेन के अवेलेबल होवा के पता लगबा के लेल। स्टेप 4, बुक नाउ पर क्लिक करू और पैसेंजर डिटेल भरू। स्टेप 5, अपन मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड एंटर करू। स्टेप 6, नेक्स्ट पर क्लिक करू पेमेंट ऑप्शन डिस्प्ले होत। स्टेप 7, अपन प्रिफर्ड पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करू पेमेंट बनाबा। दीदी की हम मोबाइल फोन इंटरनेट के द्वारा रेलवे टिकट बुक करा सके छिए? हाँ रोहन, अहाँ अपन मोबाइल या फिर टेबलेट पर आराम से रेलवे टिकट बुक कर सके छी। IRCTC ऐप के बिना कोनो शुल्क के डाउनलोड कैल जा सकैत अछि। ई एंड्रॉइड के साथ साथ विंडोज फोन में भी उपलब्ध होइत अछि। एंड्रॉइड फोन से टिकट बुकिंग कराबे के लेल निम्न पद के अनुसरण करियौ। सबसे पहले स्टोर से IRCTC ऐप डाउनलोड करू। ऐप खोलू और यूजर नाम व पासवर्ड के प्रयोग कर लॉग इन करू। सफलतापूर्वक लॉग इन करय के बाद ई भाग प्रकट भ जात। टिकट बुक करय के लेल बुक टिकट इंक्वायरी पर क्लिक करू। अब प्लान माई ट्रैवलिंग विकल्प प्रकट भ जात जतः अहां अपेक्षित जानकारी दर्ज कर सके छी। उदाहरण के प्रस्थान, स्रोत, गंतव्य, यात्रा, तिथि, श्रेणी, कोटा और टिकट के प्रकार, तब नीचा सूची के विकल्प पर हिट रहत। अब अहाँ के आवश्यकता के अनुरूप ट्रेन के सूची प्रदर्शित रहत। ओए मासा कोनो एक के चुनाव करू। अब फॉर्म पर कटायत। अब यात्रा वैरो दर्ज कर के लेल एड पैसेंजर पर क्लिक करू। यात्री के सूचना दर्ज कर के लेल एड बटन पर क्लिक करू और तहां पैसेंजर सक्सेसफुली एडेड देखा संदेश पर प्रकट हेतै। यात्रा के विवरण व टिकट शुल्क जानने के लेल कंटिन्यू बटन पर क्लिक करू। अब यात्रा के विवरण और टिकट शुल्क प्रदर्शित है। विवरण चेक करू और फिर उपलब्ध विकल्प में से एक विकल्प के भुगतानी कर लिया और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करू। भुगतानी के विशिष्ट ढंग व बैंक के चयन कर लेला पर ई स्वचालित रूप से अहाँ के बैंक के भुगतानी पृष्ठ पर चल जायत।
आब भुगतानी सफल भऽ जायत तऽ स्वचालित रूप सँ IRCTC के वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित भऽ जायत और अहाँ की टिकट बुक भऽ जायत। की अहाँ ऑनलाइन बस के टिकट भी बुक करा सकै छी गीता? हाँ बिल्कुल, बहुत सारा एहन एजेंसी सब छै जै के द्वारा अहाँ बस के टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकै छी। अच्छा, कृपया दिखाओ ना जे हम सब केना काट सकै छी। ठीक छै, सबसे पहले हम सब सुप्रसिद्ध ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानै छी जे ई की सुविधा सब उपलब्ध करबैत अछि। कुछ ऑनलाइन पोर्टल जै के माध्यम से अहाँ ऑनलाइन टिकट बुक करा सकै छी। redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abhibus, seatselect.in, simplybus, igoizy.com सर्वाधिक सुप्रसिद्ध पोर्टल अछि जे redbus.in जे के पास 65% से अधिक मार्केट शेयर होइत अछि। जब ओय स्टेप के देखा चाहै छी जे के द्वारा रेड बस के प्रयोग कर टिकट बुक करा सकैत अछि त रेड बस पर लॉग इन करू, फिर फ्रॉम टू और डेट ऑफ जर्नी के चयन करू और सर्च बस के विकल्प पर से चुनू। अब खोज केला के बाद अहाँ के पृष्ठ के बुकिंग के लेल उपलब्ध सीट देखात, यात्रा, बस के प्रकार, सुविधा, चढ़ और उतर के समय और स्थान के अनुसार अपन परिणाम छाँट लिया। सीट देखू, ओहि सीट पर अहाँ क्लिक करू जे के अहाँ बुक करय चाहै छी और चढ़ आ उतर के स्थान भी चयन करू, फिर कंटिन्यू बटन के क्लिक करू। आब व्यक्तिगत ब्यारो के भरू। यदि अहाँ के पास ऑफर कोड या कैश कूपन अछि तऽ ओहि के प्रयोग करू। आब वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन भुगतानी के तरीका में से कोनो एक के चयन करू और भुगतान करू। डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान करे जाय के लेल ई विंडो अछि। नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करे के लेल ई विंडो अछि। अच्छा, रेड बस वेबसाइट के जरिए दिल्ली से हरिद्वारका के टिकट बुक करावे के प्रयास करू। हाँ, हम कह सके छी। स्टेप 1, रेड बस वेबसाइट पर जाऊ। स्टेप 2, फ्रॉम फील्ड मा न्यू दिल्ली एंटर करू और टू फील्ड मा हरिद्वार एंटर करू। स्टेप 3, जर्नी के डेट सेलेक्ट करू। स्टेप 4, सर्च बसेस पर क्लिक करू, डिफरेंट बस के डिटेल दिखाई देत। स्टेप 5, प्रिफर्ड सीट देखा के लेल व्यू सीट्स पर क्लिक करू। स्टेप 6, सीट सेलेक्ट करू और यदि बोर्डिंग पॉइंट रिक्वायरमेंट आइच तो ओहो चूज करू। स्टेप 7, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करू, एगो फॉर्म प्रदर्शित होत। स्टेप 8, अपन पर्सनल डिटेल एंटर करू और पेमेंट ऑप्शन चूज करू। स्टेप 9, पेमेंट बनाऊ आहा के टिकट बुक भाव जायत। की दीदी, रेड बस ऐप के जरिए बस के टिकट मोबाइल फोन या इंटरनेट के प्रयोग से कर सकै छी? बिल्कुल, अहाँ के रेड बस ऐप के इंस्टॉल करे के पड़त। एहि के लेल निम्न पदों के अनुसरण करो। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओ और रेड बस ऐप के सर्च करो और अपन स्मार्टफोन में इंस्टॉल करो। एक बार जब इंस्टॉल की प्रक्रिया पूर्ण भऽ जात तऽ ऐप के चालू करू, चालू कऽ कऽ खोल लू और बुकिंग आरंभ करू। अब प्रारंभ और गंतव्य के फ्रॉम और टू फील्ड में दर्ज करू। जब अहाँ प्रारंभ और गंतव्य के दर्ज कऽ लेब तब कैलेंडर से तिथि के चयन करू और फिर सर्च बस बटन पर क्लिक कर दियो। अब सीट के चुनू और अपन बोर्डिंग के जानकारी दर्ज कर फिर कंटिन्यू बुकिंग बटन पर क्लिक करू। अब अपन संपर्क ब्यारो जेना नाम, ईमेल आईडी,
संपर्क नंबर, आयु, लिंग और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दियो। अब उपलब्ध विकल्प में से एक के प्रयोग का भुगतान करो। अब इस तरह से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा सके छी। धन्यवाद दीदी, ये जानकारी हमरा लेल बहुत फायदामंद रहल। आप हमरा सबके बहुत सहायक हैत। हाँ बिल्कुल, चलो अब आई गतिविधि के जांचे छी। गीता, अपन गांव में लोग सबके नवीनतम सरकारी योजना के बारे में जानकारी नहीं मिल पावे छे, की इंटरनेट हमरा सबके सहायता कर सकी छी? बिल्कुल चचा जी, भारत सरकार केंद्र एवं राज्य स्तर पर नागरिक के विभिन्न सूचना सेवा ऑनलाइन उपलब्ध है। अहाँ एहि के चेक करय के लेल इंटरनेट के प्रयोग कऽ सकै छी।